हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे और जीडीपी क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है हर एक देश में, हर एक देश का जीडीपी क्या होता है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आप देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। आपके स्क्रीन के आपके सामने जो स्क्रीन है उसके ऊपर लिखा है, उसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इस वर्ड का हम ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वर्ड का मीनिंग क्या है। ग्रॉस मतलब सब, ग्रॉस मतलब सब, ओके। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री, विद इन कंट्री कंट्री मतलब हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुड्स, प्रोडक्ट में सब आ गया, प्रोडक्ट आ गया, सर्विस आ गया, ठीक है, वो आ गया। डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उससे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अभी व्हाट इज़ अ जीडीपी, अभी यहाँ पे लिखा है जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। यहाँ पे देखिए विद इन द कंट्री लिखा है, मतलब कंट्री के अंदर, कंट्री के बाहर जो भी प्रोडक्ट, कंट्री के बाहर से जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते, मतलब बाहर से समझो चाइना से कुछ मंगाया तो वो माइनस किया जाता है जीडीपी से। वो कैसे होता है मैं आपको पहले दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, पहले हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है इट इज़ अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, इसमें ध्यान देखिए, गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोड्यूस मतलब तैयार होना विद इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर, इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी जीडीपी जो भी कैलकुलेट होता है वो एक कालावधि उसका तय किया जाता है। समझो हमने एक साल का जीडीपी निकाला, तो एक साल में हमारे कंट्री में, कंट्री के अंदर गुड्स और या प्रोडक्ट या सर्विस कितना ग्रो हुआ है उसके ऊपर वो मेजर किया जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ओके। आगे देखते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ओवरऑल ग्रोथ और डिक्लाइन इन द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। नेशन मतलब कोई भी कंट्री। अभी जीडीपी कैलकुलेट क्यों करते हैं, बिकॉज उससे क्या पता चलता है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ओवरऑल मतलब हर सब बाजू में से कैसे ग्रो कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो गुड्स हो या कहीं सर्विस हो, वो सब बाजू में कैसे ग्रो कर रहा है या कैसे डिक्लाइन या कैसे गिर रहा है, ये पता चलता है कोई भी कंट्री में, ओके। अभी हम देखते हैं जीडीपी को कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूलास है, सिंपल है, ओके। रिटन आउट द इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन जीडीपी इज, ओके, जीडीपी इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब प्राइवेट कंजम्पशन मतलब यूज़ करना, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन कितना है प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो पॉइंट है, ये प्राइवेट कंजम्पशन मतलब प्राइवेट ने कितना स्पेंड किया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब प्राइवेट ने कितना इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट इन्वेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओके, प्लस एक्सपोर्ट जो किया है, जो हमने बाहर भेजा है उससे इम्पोर्ट माइनस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था विद इन द कंट्री, बाहर का नहीं कैलकुलेट किया जाता, इसीलिए वो इम्पोर्ट का माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट माइनस करके जो भी आता है वो प्लस करना है फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स द जीडीपी मेजर प्रोडक्शन रिगार्डलेस ऑफ द वेरियस यूजर विच यूजेस टू विच अ प्रोडक्ट कैन बी पुट, ओके। यहाँ पे जीडीपी मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है, हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट है, गुड या सर्विस है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना आउटपुट आया है। समझो कोई सर्विस पकड़ते हम लोग, ठीक है, अभी देखो पेटीएम देखा हमने, ठीक है, पेटीएम एक बेंगलोर की कंपनी है, ओके, ये इकोनॉमी में बहुत मायने रखता है। अभी पेटीएम ने कितना इन्वेस्ट किया है और पेटीएम का इनकम कितना है, वो जीडीपी पे क्या बोलते हो, जीडीपी पे ऐड होता है।
अभी गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना टीडीएस जमा किया, ओके, गवर्नमेंट ने कितना टीडीएस जमा किया, गवर्नमेंट ने फिर रोड पे कितना खर्चा किया, जो फूल बनाए उसमें कितना खर्चा किया, वो सब ऐड माइनस करके जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, ओके। तो एक नॉर्मल ये है जीडीपी, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म है। और ये आपको मैंने नॉर्मल समझा है जीडीपी एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओके। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।